नमस्कार दोस्तों, कल जब एनडीए अपनी तीसरी बार सरकार बना रही थी भारत के अंदर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उनके साथ कई मंत्री अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय पर एक बार फिर से बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। अब बताया ये जा रहा था कि देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती नजर आ रही थी। वहां पर टूरिस्ट भी काफी बड़ी मात्रा में जा रहे थे और वहां पर दूसरी जो टूरिज्म की एक्टिविटीज हैं वो भी बड़ी मात्रा में हो रही थी। वहां की जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं अब वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे, आर्मी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी जगह जगह पर काम करने के लिए। और इसीलिए कहा भी जा रहा था कि जो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट है जिसको आसपा कहते हैं, वो आसपा वहां से हटा भी दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन एक बार फिर से ये टेररिस्ट अटैक ने ये बता दिया है कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली इस पूरे अटैक में बताया गया कि बस था, 9 लोग वो बस पूरी पिलग्रिम से भरी हुई थी। ये सारे जो पिलग्रिम्स हैं, अब आपको पता होगा कि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, कई सारे स्पॉट्स हैं जो वो पर्पसली जाते हैं। अगर आप हिंदू हो तो आप जरूर से जम्मू एंड कश्मीर जब आप जाते हो तो जम्मू के आगे एक थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है कटरा, और कटरा में आपको पता है कि वैष्णो देवी मंदिर है, वहां पर सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये जो दर्शन करके और उसके बाद लोग वहाँ दर्शन करके एक पूरी वहाँ पे एक चलन है कि जम्मू एंड कश्मीर में दर्शन किया, फिर भैरव घाटी गए, वहाँ पर दर्शन किया, और उसके बाद आप शिव खोड़ी टेम्पल जाते हो। शिव खोड़ी बेसिकली एक केव टेम्पल है शिव जी का, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो पिलग्रिम्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के बाद आगे जा करके वहाँ पर दर्शन करते हैं। वो थोड़ा सा जम्मू से आगे है, जम्मू का अभी मैं डिस्ट्रिक्ट आपको एक एक समझाऊंगा, वहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो वहीं पर शिव खोड़ी टेम्पल के अंदर में ये पिलग्रिम्स जा रहे थे और तब तक इस बस के ऊपर अटैक किया। ड्राइवर ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया और बस जो है वो खाई में जाकर के गिरी। टोटल बताया जा रहा है इसमें 9 लोगों की इसमें जान चली गई है और 33 लोग अभी भी इंजर्ड हैं। इन 33 लोगों में से भी 18 से 20 लोग ऐसे हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, और भगवान करे ना हो, लेकिन मे बी वो उनकी भी जान बहुत खतरे में लगी पूरी पड़ी हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुँचे इनिशियली, जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ पहुँची, उन्होंने बताया कि अभी ये जो काउंट है 9 इंजर्ड हैं वो अभी और बढ़ सकता है। जो वहाँ की फुटेजेस आई, मतलब एकदम ऐसा मंजर था कि मतलब आप समझ लो आपका दिल कांप जाएगा, क्योंकि मैं अभी जब देख रहा था ये वीडियो जब वहाँ पर जो बस गिरी थी तो वो पूरी मतलब ऐसे मंजर थे वहाँ के लोगों की, जो बॉडीज़ थी वो ऐसे छितर बितर हुई थी, बिल्कुल देख करके आपका बिल्कुल गुस्सा खून खोल सकता है ऐसे तस्वीरें देख करके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इंपॉर्टेंटली मैं 2 चीज़ें आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। एक तो लोकेशन कहाँ पर ये अटैक हुआ और क्यों हुआ है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पर आपको ये 2 जगह दिख रही है, एक तो मुजफ्फराबाद दिख रहा है, एक मीरपुर दिख रहा है। अब ये जो दोनों जगहें हैं एक्चुअल में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, यानी कि POK में है, जो एरिया पाकिस्तान ने इलीगली इंडिया से ऑक्यूपाई कर लिया है। अब जो मैंने आपको बताया जो कि जो टेररिज्म के हब हैं पूरे कश्मीर के अंदर में, एक तो ये बारामूला है कश्मीर में, मैं आपको बता रहा हूँ ये बारामूला है। दूसरा टेररिज्म का हब जो है वो यहाँ पर अनंतनाग है। तो बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, ये रीजन्स जो हैं वो टेररिज्म से थोड़ा सा ग्रसित रहते हैं। और इसका कारण क्या है, टेररिज्म से ग्रसित होने का इनका मेन कारण ये है कि जो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं ये POK वाले रीजन से, वो टेररिस्ट आकर के यहाँ पर शरण लेते हैं। लेकिन यहाँ का टेररिज्म और जम्मू का टेररिज्म थोड़ा डिफरेंट है, आपको समझना होगा। यहाँ का जो टेररिज्म है वो ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फिर बहुत समय तक अपने यहाँ अपने हमारे देश के अंदर में रहते हैं, यहाँ की चीज़ें सीखते हैं, यहाँ से समझते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आर्मी की, क्या एक्टिविटीज़ है पुलिस फोर्सेस की, और उसके बाद कोई घटना को अंजाम देते हैं। तो मतलब वो वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अभी जो आप देखोगे ना जम्मू के अंदर में इस वाले रीजन में, मतलब जब मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ तो जम्मू, रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, रामबन, इन एरिया में बात कर रहा हूँ, इन एरियों में कहा जाता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती हैं। और मेजॉरिटी यहाँ पर थोड़ी सी हिंदू पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उसकी वजह से थोड़ा सा वो एक पॉपुलेशन का जो सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि इस एरिए में जो इन्फिल्ट्रेट करके घुस के आते हैं वो कहीं ना कहीं शरण लेते हैं डरा करके, वहाँ के जो लोग हैं लोकल उनको डरा करके उनके घर में रुक जाते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि आर्मी का कैंप भी है कई सारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और उससे उसका उसके बाद जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो पुलिस अथॉरिटीज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पूरे रीजन में। और ये थोड़ा सा नीचे भी है आप देखो मुजफ्फराबाद से, तो इस रीजन में
रिलेटिवली टेररिज्म कम है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो यहाँ पर टेररिज्म एक टाइम पर हुआ करता था वो मीरपुर से इन्फिल्ट्रेट करके ये टेररिस्ट घुसते थे। तो इस बार भी क्या हुआ है कि मीरपुर से इन्फिल्ट्रेट करके ये टेररिस्ट घुसे थे, लेकिन ये शरण लेकर के नहीं रह रहे थे भारत में, इन्होंने घुसे, इन्होंने अपना घटना को अंजाम दिया और फिर ये वापस हो गए। तो अगर आप रिलेटिवली देखोगे ना तो ये मीरपुर की वजह से रजौरी और पुंछ में ज़्यादा ये टेररिस्ट अटैक जो है उसका चांसेस रहता है, ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रहती है। लेकिन अभी जो अटैक हुआ है वो एक्चुअल में रियासी डिस्ट्रिक्ट के पास हुआ है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही शिवखोड़ी टेम्पल लाई करता है थोड़ा सा आगे जा करके ऊंचाई पर, तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही इस बार का अटैक हुआ। और इसमें बताया ये जा रहा है कि टोटल 9 लोगों की इसमें डेथ हुई है। हुआ कि अचानक से ये टेररिस्ट जो है वो रोड पर आते हैं, बीच रोड पर बस चल रही थी जिसमें पिलग्रिम्स भरे हुए थे जो दर्शन करने जा रहे थे शिवखोड़ी टेम्पल का, अचानक से इन टेररिस्ट ने ओपन फायर खोल दिया बस के ऊपर, और उसके बाद बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, और फिर बस जो है वो जाकर के खाई में गिर गई। और 33 इसमें पीपल जो हैं वो इंजर्ड हैं, और इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताई दिया, इसकी पूरी समीक्षा हो चुकी है, 9 लोगों की अब तक इसमें जान जा चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका ऑलरेडी इसमें बयान आया है, आर्मी चीफ का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन देखी जा रही है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स देखी जा रही है, उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ज़रूर से निश्चित रूप से हाथ हो सकता है। और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो मुझे लगता है बीइंग एन इंडियन एटलीस्ट पाकिस्तान से इस चीज़ का जवाब तो ज़रूर से लेना चाहिए, जिस तरीके से जवाब लेना चाहती है सरकार ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो वो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो हमने स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा जवाब पाकिस्तान को ज़रूर ज़रूर मिलना चाहिए। तो वही जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं जाना जाता है, वो हमेशा उन पिलग्रिम्स के लिए जाना जाता है जो दर्शन करने जाते हैं शिवखोड़ी टेम्पल का। वहीं दूसरी तरफ आपको मैंने बताया कि रजौरी और पुंज में ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रहती हैं एज़ कम्पेयर टू रियासी। तो ये जो एक्टिविटी हुई है ना, इंपॉर्टेंटली इसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो दर्शन करने लोग जा रहे हैं उनको टारगेट करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं घुस सकते। ये मैसेज जो टेररिस्ट देना चाहते हैं, मुझे लगता है इस मैसेज को एक मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी को देना चाहिए, और वो अभी आपको दिख जाएगा। अभी आप कुछ घंटे इंतज़ार करिए, मैं एक वीडियो और बना रहा हूँगा और आपको उसमें दिखेगा कि कौन कौन से आतंकवादी उसमें मारे गए हैं, और निश्चित रूप से हमारी इंडियन आर्मी इसके ऊपर एक बड़ा कदम लेगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, काफ़ी दुखद खबर है हमारे लिए, शुरू का पहले दिन का पहली खबर ही सबसे दुखद खबर आई है। ये घटना तो कल की ही है और कल रात में इसमें काफ़ी सारा अपडेट आया, बाकी फिर समीक्षा पूरी हुई, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा आर्टिकल। आपको इंपॉर्टेंटली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अटैक है ये पूरी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, और इस मैसेज देने वालों को ज़रूर रोकना पड़ेगा, और अगर इसमें पाकिस्तान की कहीं ना कहीं साजिश है तो पाकिस्तान को भी जवाब अपनी तरीके से भारतीय सरकार को देना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारी सक्सेस है इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1-1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इतने कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज यहां पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे जब यूज कोड का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपको यूज करना है APYT10, और इसको यूज करते ही आप कोर्स को अवेल कर पाओगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंटली ये टेररिस्ट एक्टिविटी रियासी डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुई है ये भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।